हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इस दुनिया के दो ऐसे स्तनपाई प्राणी के बारे में बताएंगे जो बहुत ही ज्यादा विशाल होते हैं। इनके नाम है दरियाई घोड़ा और गैंडा। यह दोनों काफी भारी और विशाल होते हैं। दरियाई घोड़ा यानी कि हिप्पोपोटामस एक विशाल और गोल मटोल स्तनपाई है। इसे जलीय घोड़ा भी कहा जाता है, लेकिन इसका किसी भी घोड़े की प्रजाति से कोई संबंध नहीं है। प्राणी विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो इसका सुअरों के साथ दूर का संबंध है। वही बात करें अगर गैंडे की, तो इसकी इस दुनिया में 5 प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें से 2 अफ्रीका और 3 एशिया में पाई जाती है। क्या हो अगर इन दोनों जीवों का कभी आमना सामना हुआ? दोनों ही जीव काफी अपने क्षेत्र को लेकर काफी ज्यादा आक्रामक रहते हैं। तो चलिए इनकी कुछ विशेषताओं की चर्चा करते हैं और उनके मुताबिक हम निर्णय लेंगे कि कौन विजय प्राप्त करेगा। सबसे पहले तो इनके वजन के ऊपर हम बात करते हैं। हिप्पोपोटामस का वजन होता है 3200 किलो, तो वही गैंडे का वजन होता है 2300 किलो। तो वही इनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। ये दोनों इतने भारी होने और इतने विशाल होने के बावजूद भी दौड़ने में सक्षम है। हिप्पोपोटामस की स्पीड होती है 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वही गैंडे की रफ्तार होती है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। दरियाई घोड़े यानी हिप्पोपोटामस का जीवन काल होता है 50 वर्ष का, तो वही गैंडे का भी जीवन काल होता है 50 वर्ष तक। हिप्पोपोटामस में फीमेल 24 महीने तक गर्भ धारण करती है, तो वही गैंडे में अलग अलग है। सफेद गैंडा 16 से 18 महीने तक गर्भ धारण करती है इसमें फीमेल, और वही काले गैंडे में 15 से 16 महीने तक। हिप्पोपोटामस हाथी के बाद दूसरा सबसे बड़ा और वजनी जानवर है। इसकी लंबाई होती है 3.5 मीटर और इसकी ऊंचाई होती है 1.5 मीटर। तो वहीं गैंडे की ऊंचाई होती है 1.9 मीटर तक और गैंडे की लंबाई होती है 4 मीटर तक। हिप्पोपोटामस के पास जो सबसे खतरनाक हथियार है वो होते हैं इसके कैनाइन वाले लंबे दांत, जिसकी लंबाई होती है 50 सेंटीमीटर तक। वहीं गैंडे का सींग भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है और जिसकी लंबाई होती है 26 सेंटीमीटर। हिप्पोपोटामस काफी एग्रेसिव जानवर माना गया है और ये 5 मिनट तक अपनी सांस पानी में रोक सकता है। वहीं गैंडे भी अपने क्षेत्र को लेकर काफी एग्रेसिव होते हैं। इन दोनों के पास मोटी चमड़ी के साथ साथ एक एक खतरनाक हथियार भी है। गैंडे के पास सींग है, तो वहीं हिप्पो के पास लंबे दांत हैं। दुनिया के सबसे लंबे कैनाइन हिप्पो के होते हैं। अगर इन दो विशाल जीवों का कभी सामना हुआ तो कहना बहुत मुश्किल होगा कि कौन जीतेगा। वैसे तो इन दोनों जीवों का सामना होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि हिप्पो पानी में रहते हैं और राइनो पेड़ पौधों के बीच में। इन दोनों में से उसी की जीत होगी जो प्रथम और सटीक वार करेगा। अगर राइनो ने अपने सींग से हिप्पो पर वार कर दिया तो हिप्पो को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। हिप्पो के मुकाबले राइनो थोड़ा तेज भी होता है। राइनो इतने भारी होने के बाद काफी तेज रफ्तार होती है और हिप्पो से फुर्तीला भी होता है। लेकिन अगर पानी में गैंडे ने हिप्पो का सामना करने की कोशिश की तो उसे निश्चित ही हार का सामना करना पड़ेगा। इन दोनों विशाल जीवों के जीतने की संभावना 50-50 है। यह तो उस समय की स्थिति ही निर्धारित करेगी कौन जीतेगा।